हेलो गाइस, वेलकम बैक। नया दिन, नई जोश, नई उमंग के साथ मैं फिर ले आया हूँ आपके लिए आज एक नई वीडियो। गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कि गाड़ी में लेफ्ट टर्न और राइट टर्न की टेक्निक क्या होती है, पर कभी कभी जो सबसे सिंपल चीज होती है वही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी होती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये वीडियो के एंड तक आपको पता चली जाएगा, उसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिकल। गाइस, आप जब भी गाड़ी ऑन रखो एक चीज हमेशा याद रखना कि हमेशा इंजन को ऑन करने के बाद कम से कम एक मिनट तक तो ऑन रखना, ताकि इंजन जो है वो गर्म हो जाए। तो मैं इंतजार करूंगा तब तक गर्म होने का, उस समय तक म्यूजिक। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ गाइस कि आपको जब लेफ्ट टर्न लेनी हो तो आपको कौन सी टेक्निक फॉलो करनी है। तो गाइस, मैं आपको वीडियो में दिखाने के लिए स्पीड को एकदम स्लो कर दिया हूँ। अभी मैं यहाँ से लेफ्ट टर्न लूंगा, तो कैसे लेफ्ट टर्न लेना आपको मैं बताता हूँ। आप रास्ता के एकदम बीचों बीच पहुंचो, पहले पहुंचने के बाद अब लेफ्ट टर्न, फुल लेफ्ट टर्न लो। तो अभी आप देख सकते हो ये पूरा लेफ्ट टर्न हो गया। तो होप आपको समझ आया होगा क्या करना है। आपको रास्ता के एकदम बीचों बीच आना है और फिर लेफ्ट टर्न लेना है। इससे आपकी गाड़ी साइड से भी नहीं टकराएगी और ना ही राइट से किसी गाड़ी को प्रॉब्लम होगी। अब मैं आपको गाइस राइट लेना सिखाऊंगा कि राइट कैसे लिया जाता है। तो अगेन आप रास्ता के बीच में पहुंचिए, एकदम बीचों बीच। तो ये गाड़ी आ रहा है। तो अभी आप रास्ता के एकदम बीचों बीच पहुंचिए। पहले बीचों बीच पहुंच करके अब यहां से आप राइट टर्न लीजिए। तो आप देखोगे आप सही तरीके से राइट ले सकोगे। तो गाइस, अभी आप सोच रहे होंगे मैं इतना बच्चों वाला चीज आपको क्यों बता रहा हूं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूं क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं। तो गाइस, आप देख सकते हो कि मेरी गाड़ी के निचले हिस्से में ये क्या हुई है। ये एक लंबी सी स्क्रैच, डेंट नहीं आई है पर स्क्रैच हो गई है और पूरी की पूरी पेंट उतर चुकी है। और ये स्क्रैच यहां नहीं, यहाँ हुई है। अब मैं रोके भी क्या करूँ, इसलिए मैं हंसते हंसते ही आपको ये बात बता रहा हूँ। शायद मैंने टर्निंग के समय वही टेक्निक अगर फॉलो की होती तो आज वो स्क्रैच नहीं पड़ी होती। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वो भी कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे ऊर्जा मिलती रहती है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।